और वो दुहाई मांग रहा है, बिल्कुल एक और सवाल मांग रहा है पंकज जी, एक और सवाल, ये सवाल मेरा आप दोनों से है, दोनों एक एक करके जवाब दीजिएगा। पंकज जी पहले आप दीजिएगा, टी राजा सिंह और ओवैसी दोनों में 36 का आंकड़ा है, इस बात को बताने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, कई मौलानाओं को भी हमने सुना है, आपने भी वो जो है वीडियो सुना होगा कि टी राजा का नाम सुनकर ओवैसी बंधुओं की पेंट गीली हो जाती है। अब ऊपर से माधवी लता, दोनों कट्टर नेता, कट्टर हिंदुत्व की बात करने वाले नेता, तो ओवैसी के लिए कितनी बड़ी मुसीबत है? बात देखिए अभिषेक, बात यह नहीं है कि कौन कट्टर हिंदू आया है, बात यह है कि एक ऐसी महिला आई है, शी इज प्राउड हिंदू, लेकिन वो मदद करती है गरीब मुसलमान कहा जा सकता है, तो कट्टर हिंदू कहने में क्या दिक्कत नहीं? मैं कट्टर, देखिए मैं ये कह रहा हूं कि कट्टर क्या होता है, जो कि गलत काम करे तब, ये हिंदू है, इनको अपनी आस्था पे भरोसा है, ये सब कुछ करती है, लेकिन ये किससे नफरत नहीं करती, मतलब कि गरीब मुसलमान बच्चों को, बच्चियों को मदद करती हैं। ओवैसी के पास अगर मौलानाओं का तंत्र है, तो इनके पास उन गरीब यतीम बच्चों और बच्चियों का तंत्र है, जिनको किसने आज तक पढ़ाया नहीं था, जिनको सबने टाला, उन्हें अम्मा ने पाला, और इसलिए वहां पे आज नारा लग रहा है कि जब से आई माधवी लता ओवैसी भाईजान लापता। आप जाके देखिए, में नारा लग रहा है, ये दोबारा बोलिएगा, दोबारा बोलिएगा। नहीं, मैं ये कह रहा था कि ओल्ड हैदराबाद सिटी में नारा लग रहा है कि जब से आदमी लगता ओवैसी भाईजान लाभ। आप सोचिए नाजिया जी, बिल्कुल टी राजा सिंह माधवी लता दोनों अगर मिलकर हैदराबाद को संभालने का, सुधारने का काम करेंगे, तब ओवैसी साहब का साम्राज्य का क्या होगा? देखिए, वो ऐसे भी अब यासिन मलिक का दोस्त बनने वाला है, और मुझे लगता है कि माधवी लता एक माँ है, एक बेटी है, एक बीवी है, एक बहू है, और ममता कूट कूट के भरी हुई है, और जिस हिसाब से वो अपने हर एक रैली में, डोर टू डोर कंपेनिंग में, अपने हाथ में एक इलेक्ट्रॉनिक जाप का एक मशीन लेकर के चल रही है, मुझे लगता है कि एक ऐसी महिला जो अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने संस्कार, अपने धर्म से बे इंतहा मोहब्बत करती है, तो उन्होंने, माधवी लता जी ने अपने धर्म को पढ़ा भी बहुत अच्छे से होगा, और श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने के बाद उनके उस श्लोक को, उस वेदों और ग्रंथों को पढ़ने के बाद, जब एपीजे अब्दुल कलाम जी की जिंदगी इतनी खूबसूरत हो सकती है, तारिक फतेह साहब जी की जिंदगी इतनी खूबसूरत हो सकती है, नाजिया इलाही खान की जिंदगी इतनी खूबसूरत हो सकती है, तो वो तो हिंदू माँ के पेट से पैदा हुई है और हर वक्त जाप करते रहती है, तो इंसानियत हैदराबाद में खुशबू की तरह फैलेगी अगर माधवी लता जी वहां की ओवैसी के बाद वहां की वो सांसद होती है। मुसलमान बेटियों के लिए ईद होगी, मुसलमान बेटियों के लिए शबे बारात होगा, मुसलमान बेटियां घुंघरू पहन करके नाचेंगी, खुले आम नाचेंगी और कहेंगी कि आज ओवैसी जैसे षड्यंत्रकारी और ओवैसी जैसे शैतान से मुक्ति मिली है। मुसलमान बेटियों के लिए खूबसूरत दिन आएगा अगर माधवी लता जी की जीत होती है। मतलब सीधे तौर पर आपका कहना है कि माधवी लता हिंदुत्व की बात करती है, अपने धर्म को मानती है, साथ ही किसी और धर्म का अपमान भी नहीं करती, सम्मान बराबर करती है, कभी नहीं, कभी इतना ही सम्मान करती है जितना सनातन का सम्मान करती है, वही ओवैसी साहब इसके लिए काम करते हैं। इसके लिए आपको अपने धर्म को पढ़ना पड़ेगा। हर वो हिंदू जिसने श्रीमद् भगवत गीता पढ़ लिया है वो एक अच्छा इंसान होगा, होगा, होगा। और माधवी लता जी श्रीमद् भगवत गीता में प्रो भी है और प्योर भी है, वो एक खूबसूरत इंसान है, वो एक बहुत खूबसूरत माँ है, वो एक बहुत खूबसूरत हिंदू है, और इंसानियत उनके अंदर कूट कूट के भरी। पंकज जी, अभिषेक मैं ये कह रहा था कि अम्मा नाम जो माधवी लता को किसी हिंदू ने नहीं दिया है, याद रखिए इस बात को, किसी हिंदूवादी ने नहीं दिया, अम्मा वहां के मुस्लिम बच्चियों ने नाम इनका दिया है, मां कहती है। फर्क कहां है मैं बताऊं, एक तरफ धर्म की विजय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, सब निरोगी रहें, और दूसरी तरफ ला इलाही इल्लल्लाह, मतलब मेरे अल्लाह का सिवा और कोई नहीं, ये बेसिक फर्क ये दोनों लोग रिप्रेजेंट करते हैं।
माधवी लता कहती है कि सब स्वस्थ रहें, सब सुखी रहें, सब संपन्न हो, सब शांति से रहें, सब विकास करें। ठीक। और वो क्या कहते हैं कि अल्लाह के अलावा और कोई नहीं, मानने लायक नहीं, इबादत के लायक मतलब नहीं। बिल्कुल। तो ये बताइए, ये सोच का बेसिक फर्क है और इसी दो सोच की लड़ाई है। इसे बिल्कुल मत बांटिए, बिल्कुल, कि मुसलमान इसके तरफ देगा, हिंदू इसकी तरफ देगा। मैं बताता हूं कि मां अम्मा ममता मई है। अम्मा ने हजारों परिवारों की जिंदगी बचाई है। अम्मा ने उन बच्चियों की जिंदगी बचाई है जो या तो फुटपाथ पे सोते, या फिर जो पता चला कि जिन बेच दी जाती उनके साथ क्या विभत्स होता, उन्हें भिखारी बना दिया जाता है, आंखें फोड़ दी जाती। लेकिन अम्मा ने उन्हें पढ़ाया लिखाया, इस लायक बनाया कि आज वो नौकरी कर रहे हैं। ठीक है। अम्मा करुणामयी है, ममतामयी है, और यही ओवैसी की सबसे बड़ी परेशानी है। परेशानी कितनी भी गालियां दे रहे हैं कि वो अपने धर्म का सम्मान करते हैं लेकिन दूसरे धर्मों का शायद उतना सम्मान नहीं करते। वहीं माधवी लता इस मामले में जी ओवैसी की सोच कैसी है? भाई क्या बोलता है, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा दो जी। और अम्मा क्या बोलती है कि हमारी एक भी बच्चियों को कष्ट नहीं होना चाहिए। यही अंतर है हिंदू मुस्लिम, यही फर्क है, कोई भी है। ये अंतर है। जो कोई राजनीतिक करियर नहीं होने के बावजूद भी माधवी लता को टिकट दिया गया, भरोसा जताया गया। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे सवाल की तरफ, जो आपको बताया था कि हाई कोर्ट में एक पीआईएल, सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल की गई थी कि मुसलमान बेटियों की वो जब तक 12वीं पास नहीं कर लेती तब तक उनकी शादी ना की जाए। और ये पीआईएल एक महिला ने दाखिल की थी और उस महिला का नाम खुद है नाजिया इलाही खान, जो आपके सामने इस वक्त बैठी हैं। हालांकि वो खारिज कर दी गई। क्या कुछ था पूरा मामला नाजिया जी? किस मानसिकता के साथ आपने ये पीआईएल दाखिल की थी? खारिज होने के बाद क्या कुछ करने वाली हैं बाप? मेरा ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन 1/2/2024, फाइलिंग डेट था 8/3/2024। ये मैंने कैलकटा हाई कोर्ट में फाइल किया था इस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। और कहीं ना कहीं जिस हिसाब से श्रीमती ममता बनर्जी ने मुसलमान बेटियों को पर कभी भी तवज्जा नहीं दिया। माफ कीजिएगा, कैलकटा हाई कोर्ट में था ये आपका? जी हाँ जी हाँ जी, माफ कीजिएगा, मैंने सुप्रीम कोर्ट बुलाया, हाई कोर्ट में था जी। बताइए। ठीक है, इन्होंने सुधार लिया। कभी भी रेप की पीड़िता जो होती हैं वो उसी पर एलिगेशंस लगा देती हैं। जैसे हम लोगों को पता है कि नासिर खान और कादिर खान ने जब सुजर जॉर्डन का बलात्कार किया था तो ममता बनर्जी ने कहा था सजी की घटना है और विक्टिम को ही उन्होंने बहुत मलाइन किया था। कालियागंज हासखाली में जब छोटी छोटी माइनर बच्चियों का बलात्कार और मर्डर हुआ था तो उन्होंने जो बलात्कारी है उसी के समर्थन में उन्होंने अपनी टिप्पणियां दी थी और कहा था कि लव अफेयर था, प्रेग्नेंट थी इसीलिए। तो मैंने एक चीज देखी है कि श्रीमती ममता बनर्जी को बेटियां मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, उनको एक अजीब सी नफरत है, उनको एक अजीब सा अवेसी की तरह घृणा है बेटियों से। अब मुसलमान बेटियां क्योंकि अत्याचारित होती भी चली आ रही है। 2015 में जब ट्रिपल तलाक का पिटीशन सर्वोच्च न्यायपालिका में मेरा गया था तो 18 से ऊपर जो विक्टिम थे वो पश्चिम बंगाल की तीन तलाक की, पर उस पर भी श्रीमती ममता बनर्जी ने कभी भी कुछ नहीं किया। और जिस हिसाब से हैदराबाद की तरह पश्चिम बंगाल में भी निकाह मसलार का, हलाला का, निकाह मुत्ता का, तीन तलाक का, पॉलीगेमी का सेंटर खुला हुआ है गली गली में, उसमें उसकी वजह से हमारी मुसलमान बेटियां बहुत अत्याचारित हो। तो इसलिए मैंने सर्वोच्च न्यायपालिका का द ऑनरेबल कलकत्ता हाई कोर्ट को एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दिया कि अगर संवैधानिक तरीके से बेटियों को क्लास 12 पास करने दे दिया जाए तो वो इतनी मच्योर जरूर हो जाएंगी कि अगर उनके साथ हलाला होता है या पॉलीगेमी होता है या मुत्ता होता है या मसियार होता है तो एटलीस्ट वो अपने जस्टिस के लिए, अपने लिए, अपने मान सम्मान के लिए, अपने अधिकार के लिए वो आवाज उठा पाएंगी। मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है कि आज मेरा ये पिटीशन डिसमिस हुआ है क्योंकि उसकी ड्राफ्टिंग मेरे दूसरे रूम में चल रही है और 24 तारीख को ये सर्वोच्च न्यायपालिका में फाइल हो रहा। अच्छा, मैं एक चीज आपको और बता दूं कि ये जब फाइल हुआ था उसके बाद फिर 11 तारीख को ईद की नमाज से श्रीमती ममता बनर्जी ने मुझे जवाब दे दिया, जवाब दे दिया था उन्होंने। उन्होंने जब कहा था ईद की नमाज में रेड रोड के मंच से कि यूसीसी खोलते देबो ना, यूसीसी करने नहीं देंगे, तभी मुझे समझ में आ गया था। वहीं पे मैं आ रहा था। मैं रही है
वो टोन मेरे पिटीशन का ही जवाब है, क्योंकि इसमें पार्टी मैंने श्रीमती ममता बनर्जी को भी बनाया था, एजुकेशन मिनिस्टर को भी बनाया था, चीफ सेक्रेटरी ऑफ वेस्ट बंगाल को भी बनाया था, तो मुझे ये चीज समझ में आ चुकी थी। अब आती है दूसरी बात कि ईद की नमाज के मंच से रेड रोड से यूसीसी की विरोधिता करके श्रीमती ममता बनर्जी ने ये ऐलान कर दिया कि वो मुसलमान बेटियों के विरोध में है, वो मुसलमान बेटियों को दबा कुचला ही देखना चाहती है, वो मुसलमान बेटियों पर अत्याचार होते हुए ही देखना चाहती है, वो मुसलमान बेटियों को पिसते हुए ही देखना चाहती है, वो मुसलमान बेटियों को अश्लीलता के नंगे बाजार में बिकते हुए ही देखना चाहती है। हालांकि आप देखिएगा, मैंने आपको एक न्यूज लिंक भेजी है जिसमें ये साफ लफ्जों में जजमेंट में लिखा हुआ है कि अथॉरिटीज The state government authorities had failed to act on her representation for making it mandatory all Muslim girls to at least pass class 12 before getting married. मेरे हजारों और representation के बावजूद भी श्रीमती ममता बनर्जी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड शाही इमाम चीफ सेक्रेटरी ऑफ वेस्ट बंगाल एडुकेशन मिनिस्टर ने कोई भी एक्शन नहीं लिया और उनको ऐसा ही लगा कि एज ऑफ प्यूबर्टी इज एज ऑफ मैरिज। तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने यह भी दर्शा दिया कि वो शरिया लॉ मानती है और वो संविधान नहीं मानती।